नमस्कार साथियों, छात्रों, मैं सुबह में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज के इस भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और क्लास 10 के जो भी बच्चे मैथ सीरीज से जुड़े हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे पार्ट्स उन्होंने देख लिए हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि लास्ट के सेशन में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और प्राइम फैक्टराइजेशन समझा था, तो अब ये पढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको बता दूं, संभावना है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो को ऐसे तैयार करूंगा कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि केवल क्लास 10 के बच्चे नहीं, अगर मैथ्स का भी कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज़ करते हैं तो करें, और अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लें, दूध बॉर्नवीटा अगर कुछ भी आप लेते हैं तो लें और वापस इस वीडियो को देखें। उम्मीद करूंगा कि मेरी भाषा इतनी सरल रहेगी कि आप चीजों को बिल्कुल समझ पाएंगे। थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाए और फिर इस वीडियो को देखें। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो बोर्ड पर जो दो क्वेश्चंस हैं वो आपके ही बुक के हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आरडी शर्मा से मैंने लिया है इन क्वेश्चंस को। सवाल ये है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उम्मीद करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने पूरे अच्छे से समझ लिया है उसे। तो लगभग आधा काम आपने वहीं कर लिया है जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है, तो बचे हुए आधे काम को हम करेंगे और हम समझ पाएंगे कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए मैं एक तरफ सॉल्यूशन करता हूं और एक तरफ आपके लिए एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखता हूं। एल्गोरिथम्स आप जानते हैं वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। उसके बाद एक बार अगर आप एल्गोरिथम समझ जाएं तो रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और गलती होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो जाती है। 90 और 144 को का एलसीएम और एचसीएफ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहले हम लोग गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो जब हम 90 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसे कैसे लिखा जा सकेगा, 2, 3, 3 जा 9, 9, 5 जा 45, 2 जा 90, ठीक है। और 144 को कैसे लिखा जा सकेगा, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16, 9 जा 164 होता है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकेगा, वी कैन राइट इट एज 2 to the power 4 times 3 square। देखिए अब यहां पर समझना है कि एचसीएफ के लिए हम लोग अलग रूल फॉलो करते हैं और एलसीएम के लिए हम लोग अलग रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया दोनों ही नंबर्स के, तो एचसीएफ पता करने के लिए, ध्यान से समझिए, एचसीएफ पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसमें अनकॉमन वालों का कोई काम नहीं है, केवल और केवल आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। जो 2 है ये दोनों कॉमन है और 3 भी है, ठीक है। जो अनकॉमन है 5 उसे छोड़ दे रहा है। आपको समझाने के लिए मैं एक टेबल तैयार कर देता हूं यहां, प्राइम फैक्टर्स, पीएफ मींस प्राइम फैक्टर्स एंड लोएस्ट एक्सपोनेंट्स। ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर्स जो कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 और 3, लोएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब यह है कि उसकी सबसे छोटी पावर क्या है। तो 2 की सबसे छोटी पावर यहां 1 है और 3 की दोनों में ही 2 है, तो हम एक ही 2 ले लेंगे। समझने समझाने के लिए ये थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पूरे एल्गोरिथम को समझ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये 10 से 15 सेकंड का काम है। मेरा उद्देश्य बताना है ही नहीं, मेरा उद्देश्य ही आपको समझाना है, ताकि गलती होने की संभावना एकदम ना के बराबर रहे और आपको कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी हो जाए। इससे क्या होगा कि आगे आपके कितने भी बड़े नंबर्स आपको दे दिए जाए, आप आसानी से प्राइम फैक्टराइज कर उसके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो
तो ये सुनने देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बड़ा है ही नहीं। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा एससीए फाइंड आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। थर्ड और लास्ट स्टेप है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लीस्ट और लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर। केवल और केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लेकर मल्टीप्लाई कर देना है और उनके प्रोडक्ट को निकाल लेना है, वही गिवन नंबर्स का एससीएफ होगा। इसका मतलब एससीएफ 9144 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की लोएस्ट एक्सपोनेंट 1 है तो 2, और 3 की दोनों में ही 2 है तो 3 स्क्वायर। इट मीन्स 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 18। आई मीन टू से द एससीएफ ऑफ 90 एंड 144 इज 18। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टराइज किया दोनों ही नंबर्स को, फिर हमने क्या किया कॉमन प्राइम फैक्टर्स को पहचाना कि कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने क्या किया कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर वाले को लेकर आपस में गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उनके प्रोडक्ट को बता दिया कि यही गिवन नंबर्स का एससीएफ है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, अगला जब मैं करूंगा तो आप और बेहतर समझ जाएंगे। उससे पहले एक बार एससीएफ की तरफ चलते हैं। एससीएफ के लिए भी पहला स्टेप वही रहेगा कि हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो ये होगा, दूसरा स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल पावर इनका प्रोडक्ट, एंड ध्यान से देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। एचसीएफ में अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स का कोई काम नहीं था, उसे हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन एलसीएफ में इसका काम है और इसे हम लोग एक टेबल से समझते हैं। प्राइम फैक्टर्स एक्सपोनेंट्स, प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 और 5। देखिए 2 की एक्सपोनेंट है, कैसे एक्सपोनेंट्स लेने हैं हमें एलसीएफ में, ग्रेटेस्ट, तो 2 की ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है 4, 3 की 2 है और 5 की 1 है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसलिए किताबों में कहीं कहीं ये लिखा होता है कि एलसीएम के लिए अगर आप सारे आने वाले सारे प्राइम फैक्टर को एक बार लेकर मल्टीप्लाई कर दें और उनका प्रोडक्ट निकाल दें तो आप एलसीएम तक पहुंच जाएंगे। इसी को मैंने और आसान शब्दों में लिख दिया, एकदम साफ कर दिया चीजों को, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर। आपको क्या करना है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनमें जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर वाले हैं, जैसे 2 के ग्रेटेस्ट 4 है तो 4 वाले को लेना है, 3 की 2 है तो 2 वाले को लेना है, 5 की 1 है तो 5 को भी लेना है, एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। अनकॉमन का मतलब 5 अनकॉमन है ना, ये कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों में है लेकिन 5 अनकॉमन है, अनकॉमन वाले को छोड़ना नहीं है। अक्सर बचपन में कहा जाता था कि एचसीएफ को निकालना होता है और एलसीएम को लाना होता है, उसका एक तर्क यह था, अनकॉमन वाले को एकदम नहीं छोड़ना है, उसको भी हमें साथ ले लेना है। तो वी कैन राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख लिए हैं, तो वी कैन राइट एलसीएम 90 एंड 144 इज इक्वल टू 2 to the power 4 टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 टाइम्स 9 टाइम्स 5, 720।
इट मीन्स 720 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 90 एंड 144. कितना मजेदार है. एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. एलसीएम के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद कॉमन प्राइम फैक्टर्स में सबसे बड़े वाले एक्सपोनेंशियल पावर वाले प्राइम फैक्टर्स को लेंगे जो कॉमन है उनमें, और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स जो बच गए, जो रह गए, जो दोनों में कॉमन नहीं है उन्हें लेंगे और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जो रिजल्ट होगा वही गिवन नंबर का एलसीएम होगा. अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, उससे क्या होगा कि चीजें और साफ हो जाएंगी. और यहां मैं आपको बिना टेबल के करके दिखाता हूं. 18 एंड 36. तो सॉल्यूशन के लिए आप ऐसे समझे, ये लिखने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूं. 18 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो होगा 3 3 9 2 18, इट मीन्स 2 × 3 square. और जब 36 को हम लोग करेंगे तो वो होगा 2 2 4 3 12 3 16, इट मीन्स 2 square × 3 square. एस सी एफ के लिए क्या करना है देखिए. एस सी एफ 1836. एल्गोरिथम कहता है कि एस सी एफ के लिए हम लोग केवल और केवल कॉमन प्राइम फैक्टर्स में जो छोटे एक्सपोनेंशियल पावर वाले हैं उन्हें ले लेना है और उन सबके प्रोडक्ट को लिख देना है. 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है, जरा गौर से देखिए, दोनों में ही 2 है, हालांकि यहां 3 भी है लेकिन पहले हम 2 की तरफ चलते हैं. तो 2 दोनों में है, जो इसकी लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर है, यानी ये इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 to the power 1 है, तो ये इसका मतलब 2 हम लोग ले लेंगे. और 3 दोनों में ही स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक जगह का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग, यानी 3 की जो लोएस्ट यहां पर एक्सपोनेंशियल पावर होगी वो 2 होगी, तो 3 स्क्वायर ले लिया हमने, इट मीन्स 2 3 3 9 18. इसका मतलब SCF 1836 is equals to 18. देखिए कितना सरल है, केवल एल्गोरिथम के स्टेप्स याद रखने हैं हमें. और LCM 1836 में क्या करना है हमें, कॉमन प्राइम फैक्टर्स में ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर वाले को, यानी यहां पर दोनों ही कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो ये आसान हो गया यहां पर. LCM इसलिए आसान हो गया कि 2 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर है वो 2 है, यानी 2 स्क्वायर, और 3 की जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर है वो भी 2 है, यानी 3 स्क्वायर. रिमेनिंग या अनकॉमन कुछ हमारे पास है नहीं तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे. 2 2 4 3 3 9, इट मीन्स 18 और 36 का एलसीएम 36 होता है. देखिए कितना सरल है. एक और क्वेश्चन मैं सोचता हूं करवा दूं. हाँ, करवा ही देना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी. तो ये केवल समझने भर के लिए बड़ा है, वास्तव में ये बड़ा है नहीं. जब आप चीजों को समझ जाएंगे, आप खुद ही इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर अगले दिन रिवीजन के लिए एक बार और देख लीजिए, फिर देखिए कि आपके लिए एलसीएम और एससीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए निकालना कितना सरल हो जाता है. एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आरडी शर्मा से, 96 एंड 404. हमें इसका एलसीएम और एससीएफ दोनों पता करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है. तो सबसे पहले हम लोग 96 और 404 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. कैसे कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 3. लेट मी चेक वंस, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 3 96, इट मीन्स 2 to the power 5 times 3. 404 को करेंगे तो 2 2 4 times 101, इट मीन्स 2 square times 101. एंड यू शुड नो दैट 101 इज अ प्राइम नंबर, 101 एक प्राइम नंबर होता है, जिसका मतलब इसे प्राइम फैक्टराइज नहीं किया जा सकता. सीधा चलते हैं एससीएफ की तरफ. तो एससीएफ के लिए अब आप मुझे बताइए, रिपीट करिए मेरे साथ कि एससीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे. तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहां कॉमन फैक्टर केवल और केवल 2, यहां पे 2 स्क्वायर है और यहां 2 to the power 5 है. लेना किसे है बताइए, बड़े वाले को या छोटे वाले को, मतलब बड़े एक्सपोनेंशियल पावर को या छोटे एक्सपोनेंशियल पावर को. तो एकदम साफ है, पीछे के दो क्वेश्चंस में मैं करवा चुका हूं कि छोटे लोएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर वाले को लेना है, इट मींस 2 स्क्वायर.
जो रिमेनिंग अनकॉमन है जैसे 3 और 101 इन्हें नहीं लेना है, एचसीएफ में नहीं लेना है। 2 स्क्वायर 4, हाँ सर ये एचसीएफ है। और एलसीएम के लिए क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए, एलसीएम के लिए हमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर वाले को लेना है। इसका मतलब कॉमन कौन कौन है इस बार हमारे पास, अभी हमारे पास देखिए 2 है और 2 में ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर कौन है, तो 5 है, तो 2 to the power 5 को ले लेना है। और प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, जो अनकॉमन या जो प्राइम फैक्टर्स हैं बचे हुए, जो दोनों में नहीं है अनकॉमन है उनके साथ, तो 2 times 5 times 3 times 101, 32 times 3 times 101, 96, लेट मी चेक वंस, 2 to the 5 32 3 101, यस इट मीन्स एलसीएम 96 and 404 इज इक्वल्स टू 9696। एक बार आप गुना करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना सरल है। उम्मीद करता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पर या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बेस पर एलसीएम एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप समझ चुके हैं। ये सेगमेंट आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसके उसमें बहुत काम आने वाला है, तो आप इस सेगमेंट को एक बार नहीं अगर आपके समझ में आए तो दोबारा जरूर देखें, तीसरी बार जरूर देखें, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही आगे बढ़े। मैं आपसे ये कहूँगा हैरान मत होइएगा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर दो नंबर्स हमारे पास हो और उनका एचसीएफ हमें पता हो तो बिना इतना कैलकुलेशन किए हम लोग एलसीएम पता कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ द टू नंबर्स एंड द एचसीएफ इज गिवन। तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा, और जिस तरीके से कर सकते हैं और उस तरीके को ही रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम कहा जाता है। उस रिलेशनशिप को हम लोग अगले सेगमेंट में समझेंगे। तब तक आप रिविजन करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सिन्हा क्लासेज मैथ सीरीज के अगले भाग में आपसे जरूर जुड़ूंगा। सी यू सून, जय हिंद।